दो परमाणु ताकतें एक हो गई हैं और दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। जी हाँ, पिछले हफ्ते जब रूस की सेना ने दुनिया भर में अलग अलग देशों में अभ्यास करना शुरू किया, इस युद्ध अभ्यास को व्यापक रूप से अमेरिका के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो किस देश को मॉस्को के पक्ष में खड़ा देखते हैं। अपने एक बयान में पुतिन ने कहा था कि 15 मित्र देश इस अभ्यास को देखेंगे, जिसके बारे में मॉस्को ने दावा किया है कि 30 सालों में इस तरह के सबसे बड़े अभ्यास के लिए लगभग 90,000 सैनिक और 500 से ज्यादा जहाज और विमान जुटाए गए हैं। लेकिन पुतिन के मुताबिक रूस का सबसे अहम सहयोगी चीन है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, हम अपने मित्र देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। दुनिया भर में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच ये आज विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सोमवार को खत्म हुए 7 दिन के अभ्यासों को ओशन 2024 नाम दिया गया है, जो रूस और चीन के बीच सैन्य अभ्यासों और संयुक्त गश्तों की हालिया श्रृंखला में सबसे नया है, जो पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आपसी सैन्य सहयोग को मजबूत करने को लेकर हुई बातचीत के बाद हुआ है, वो भी तब जबकि रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। रूसी सेना के मुताबिक चीन ने ओशन 2024 के लिए रूस के सुदूर पूर्वी तट के जल क्षेत्र में कई युद्धपोत और 15 विमान भेजे हैं। इसके अलावा चीनी और रूसी सेनाओं ने इस महीने जापान के नजदीक समुद्र में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के दौरान गहन रणनीतिक तालमेल स्थापित करने का दावा किया और उत्तरी प्रशांत महासागर इलाके में अपना 5वां समुद्री संयुक्त गश्त किया था। ये मिलिट्री एक्सरसाइज गर्मियों में संयुक्त अभ्यासों की एक श्रृंखला के बाद हुई है, अलास्का के नजदीक उसी जगह पर जहां अमेरिकी और कनाडाई सेनाओं ने पहली बार एक साथ रूसी और चीनी बम वर्षकों को रोका था। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में, जो एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जिस पर लगभग पूरी तरह से बीजिंग का दावा है, इस युद्ध अभ्यास के बाद अब इस इलाके में भू राजनीतिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। वॉशिंगटन में चीन के साथ रूस के बढ़ते तालमेल को लेकर भी चिंता बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने महीनों से चीन पर मशीन टूल्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे दोहरे इस्तेमाल वाले निर्यात के साथ रूस के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस आरोप को बीजिंग ने नकार दिया है, क्योंकि वो यूक्रेन में जारी संघर्ष में तटस्थ रहने का दावा करता रहा है। ऐसे में जब यूक्रेन में युद्ध जारी है और खतरे बढ़ रहे हैं, पुतिन ने नाटो नेताओं को चेतावनी दी है कि रूस के अंदर गहरे हमले करने के लिए कीव ने लंबी दूरी की पश्चिमी मिसाइलों का इस्तेमाल किया या यूक्रेन के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध हटाया गया तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि हालिया रूस चीन सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच एक दशक से ज्यादा समय से बढ़े हुए सैन्य तालमेल के पैटर्न के मुताबिक है, लेकिन बढ़ते वैश्विक तनाव के समय, जिसमें यूक्रेन में रूस का युद्ध, दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता और ताइवान के स्वशासित द्वीप पर उसके दावे शामिल हैं, वो इस बात को भी रेखांकित करते हैं कि मॉस्को और बीजिंग एक दूसरे को ताकत दिखाने के लिए कैसे अहम मानते हैं। संयुक्त अभ्यास इस बारे में भी सवाल उठाते हैं कि क्या दो परमाणु संपन्न ताकतें, जो संधि सहयोगी नहीं हैं, किसी भी संभावित भविष्य के संघर्ष में या किसी भी युद्ध जैसे हालात में एक साथ आ सकती हैं, जैसे इन दिनों रूस और चीन की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।